कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एंड जीडी के लिए बेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है परीक्षा ऐप पर। जस्ट इन केस आप तैयारी करने वाले हैं इसके लिए, तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा उस प्रोसेस को जानना है, आप क्या कर सकते हो, आपका स्कोर कितना हो सकता है, आप ऑल इंडिया लेवल पे कितना स्कोर कर सकते हो वो जानना है आपको, तो इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के चेक करो। सबसे पहले डेमो टेस्ट लगाना, डेमो टेस्ट अगर आपको अच्छा लगे देन आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आप जब टेस्ट सीरीज लेना तो वहां पे ये वर्ड जो है मेरा AB स्टडी 50 यूज करते हो तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, और जो चीज आपको 280 रुपीज में मिलनी चाहिए वो 140 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप लेते हो तो ये कोड जरूर यूज कर लेना ताकि आपको 50% का ऑफ मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, और इसका फायदा जरूर उठाना। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेना उसका जब आप खरीद लेना तो, और फिर मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर देना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जाओ चेक करो, डेमो लगाओ, अच्छा लगे तो लेना, अदरवाइज छोड़ देना। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी, नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए। उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप 5 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। आज है 6 जनवरी तो अभी आपके पास टाइम है। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों की एक दिक्कत थी जिसका समाधान मैं इसमें करने वाला हूं, जिसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग का, या फिर ये बोलेगी कैंडिडेट्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन का। तो वो क्या है, कैसे उस PDF को फिलअप करना है, PDF कहाँ मिलेगी, ये सब इस वीडियो में आप समझ लो। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे अभी कुछ देर बाद डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन कर चुके हो तो आप देख लेना, और अभी तक नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख लेना और वहां से आप फिलअप कर लेना डाउनलोड करके, ठीक है। चलो अब यहां पे पॉइंट करके दिया गया है, वन जो पहला पॉइंट है उसमें क्या दिया गया है, आई, उसके बाद आई के बाद यहां पे आपको क्या करना होगा, अपना नाम डालना होगा, ठीक है। यहां पे अपना नाम डाल देना है जो कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे, या फिर ये बोले कि बाकी डॉक्यूमेंट्स में जो कि है सही नाम, ठीक है। उसके बाद सन ऑफ तो आपके फादर का जो नाम है यहाँ पे वो आपको डालना होगा, आपके फादर का क्या नाम है जो कि आपके सर्टिफिकेट पे भी हो, ये नहीं कि गलत कर दो आप, तो इसमें बिल्कुल सही जो भी हो वो आप डालना पेन से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो डालना होगा, फोटो एफिक्स करना होगा, ठीक है, जो कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम आप डालोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। ओके, अब यहाँ पे एम फंड यूजिंग अनफेयर मींस सबमिट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन एप्लीकेशन, मेक एनी डिक्लेरेशन इन द एप्लीकेशन नॉट सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स, फेल टू सबमिट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये एक जो आपका डिक्लेरेशन है जो आप अपनी तरफ से करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे दो में कुछ नहीं है, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, तीन में भी। अब सीधे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा गया है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन, नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन, और यहाँ पे नीचे देखो ये पेरेंट्स गार्जियन सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड ओनली इफ कैंडिडेट इज लेस देन 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो मान लो अगर आप 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, 7 जनवरी को जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन आपकी जो एज है वो 18 ईयर से कम है, थोड़ा भी कम है, एक दिन भी अगर कम है, तो फिर क्या है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपने फादर मदर जो भी आपके गार्जियन हैं, जो भी आपकी देखभाल करते हैं उनका करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके बाद ये देखो, ये नीचे पढ़ना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट, तो इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर आपको अपने लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो देना होगा, समझ गए। उसके बाद नेम, यहाँ पे अपना नेम, उसके बाद बैच, जो आपका बैच है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, लाइक अगर आप करते हो नाविक डीबी के लिए तो नाविक डीबी लिखोगे, अगर नाविक जीडी के लिए तो जीडी, यांत्रिक के लिए तो यांत्रिक। फोटो आईडी नंबर, फोटो आईडी नंबर समझ रहे हो, जो आप अपलोड कर रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम, लाइक अगर आपने आधार कार्ड अपलोड किया है तो उस आधार कार्ड का आधार नंबर जो आपका होगा वही आपका फोटो आईडी नंबर होगा, ठीक है।
उसके बाद कैंडिडेट्स टू राइट दी अबव कंटेंट इन हिज ऑन हैंड राइटिंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, ये आपका अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट है। एफिक्स दी सेम फोटोग्राफ एज अपलोडेड इन दी एप्लीकेशन एंड सेल्फ अटेस्टेड बाई साइनिंग हाफ ऑन फोटो एंड हाफ ऑन पेपर। तो यहाँ पे आपका हाफ पेपर पे और हाफ जो आपकी साइन है वो फोटो पे होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो फोटो आप एफिक्स करोगे उसमें, और बाकी यहाँ नीचे फिर से वहीं सिग्नेचर आपको कराना होगा और सिग्नेचर करके अपना सिग्नेचर करना होगा। बाकी यहाँ पे जो डिटेल्स मैंने बताई सेम डिटेल्स यहाँ पे भी पुट ऑफ करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है आपका वो होना चाहिए। तो इतना कुछ आपका होना चाहिए और ये करके फिर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड करना होगा कहाँ पे, जो वेबसाइट है यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट से जहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो। तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको इसका प्रिंटआउट निकालना होगा, प्रिंटआउट निकाल करके और उसके बाद इसे फिलअप करके और फिर आप अपलोड कर देना, बस इतना करना है। तो डाउनलोड करो और जाकर उस पीडीएफ का जो प्रिंट है वो निकालो, 10 रुपये लग जाएंगे, उसके बाद निकाल करके और जैसे मैंने डिटेल्स बताई हैं वैसे फिलअप करके और डाल दो। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और कोशिश करो कि जब आप कोई फाइल अपलोड करते हो तो उसका फाइल का नाम बहुत सिंपल हो, बहुत सही हो, ज़्यादा बड़ा नाम ना हो। अगर ज़्यादा बड़ा नाम होगा तो उसमें भी दिक्कत होगी। वैसे मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली जो वीडियो बनाई है उसमें एक एक चीज़ समझाया है, तो वो अगर आप देखोगे तो उससे भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से अपने घर पे बैठे अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाओगे। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।